धीरज रखो। प्रेमक पंछी आ गए, सबके दिल पर छा गए, ये जहां चल रहा प्रेम से ही। इतने प्रेम के रूप है, देखो जैसे छांव और धूप है, ये जहां चल रहा प्रेम से ही। प्रेम जो दिल में बसे सच्चा प्रेम है, प्रेम जो बचपन का सच्चा प्रेम है। प्रेम के पंछी आ गए, सबके दिल पर छा गए, ये जहां चल रहा प्रेम से ही। दस्तूर दुनिया का प्यार है मिलन तन मन का, प्यार तो है बचपन का। क्यों तुम मुझे इतनी ज्यादा पसंद हो? ये सवाल मैंने अपने आप से कई बार पूछा, मगर जवाब एक बार भी नहीं मिला। लेकिन एक बात तो पता चली कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इतना प्यार कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। बेटी हुई है। अरे यार, मुझे बेटी हुई है, आज मैं बहुत खुश हूँ। बड़ी अच्छी बात है भाई साहब। अरे भाई, अन्न प्राशन का समय हो गया, अब हमारे बच्चे फ्यूचर में क्या बनेंगे, चलो देखते अच्छा हैं। अच्छा, तो इसलिए सब कुछ रखा है। और जिसका बच्चा जो पकड़ेगा वो वही बनेगा। अगर बोतल पकड़ लिया तो क्या बेवड़ा बनेगा? क्या भाई, अपने शंकर ने भी बोतल पकड़ा होगा, इसलिए आज तक नहीं छोड़ा। अपना मुंह बंद कर। आओ। हाँ, पहले मेरी बेटी। आओ बेटी। देखो बेटी, दारू सिगरेट को हाथ मत लगाना, समझ गई ना बेटी? मेरी बेटी है। अरे तेरी बेटी ने तो तुझे पास कर दिया, मेरा बेटा क्या करेगा? देखना गंबा उठाएगा। आने दो बहन। जाओ बेटा, जाओ जाओ। सुनिए, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है, अपने पति को बुलाइए। अभी आती हूँ। ए जी सुनिए, पंडित जी कह रहे हैं मुहूर्त निकला जा रहा है। अरे ये शादी कौन सी हमारी मर्जी से हो रही है जो मैं मुहूर्त देखूं? चल निकल यहाँ से। अरे इतना लेट कैसे हो गया? हाँ चल चल।
सब कौन है? ये सब अपने ही लोग हैं, इन सबको मैंने ही बुलाया है। तेरी बहन कहाँ है? वो अंदर रूम में है। तू बेकार में इतना टेंशन ले रही है, रवि जरूर यहाँ पे आएगा और हमें यहाँ से ले जाएगा। मेरी बात मान, रोना बंद कर। अबे कहाँ है बे? मुझे लगता है शायद यही दुल्हन होगी। अरे मुझे दिखाना। ले देख तो। हाँ। क्या मस्त लग रही है, क्या माल अबे है। तू दुल्हन को देख रहा है, उसके बगल में बैठी लड़की को देख रहा है। तेरी तो क्या कर रहा है? अरे प्लीज यार, मेरा पैर छोड़, तू मेरा पैर छोड़ दे। अरे जब कोई बड़ा आदमी छोटे आदमी के पैर छूता है तो बहुत जल्दी ऊपर चला जाता है। मेरे पैर छोड़ दे। अरे गिर जाऊंगा मैं, छोड़ना मत। ठीक है तो मैं ही छोड़ देता हूँ। चुप। छी, कलर कौन सा है? ग्रीन साड़ी, फूलों का कचरा। हे, ग्रीन साड़ी नहीं, येलो साड़ी और मोगरी का कचरा। नहीं बे, ग्रीन साड़ी, येलो साड़ी है यार। अबे सच बोल, नहीं तो अंदर जाके पिटूंगा मैं। तुझे क्या लगता है, तू बचेगा? चुप। अबे हिंदी में समझा ना, ग्रीन का मतलब पीला, मैंने तो यही पढ़ा है। तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ। जल्दी चले, चल जा। अबे हाथ का ब्रेसलेट तो देता जा, चल जल्दी कर, अपनी माँ को पहनाएगा। क्या रे, तुम सब मिलके ये सब संभाल लोगे या फिर मैं अपने लोगों को बुलाऊं? ये कौन है बे? ये मेरा मामा है, ये घर इसी का है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये मेरा घर है, यहाँ कोई नहीं आ सकता, कोई भी नहीं आ सकता। जानता है क्यों? क्योंकि मैं यहाँ का किंग हूँ, किंग। जाना। अरे 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 अरे, अरे देखो दुल्हन भाग रही है, दुल्हन भाग रही है, पकड़ो पकड़ो। अरे अरे बेवकूफ, तुम लोग वहाँ कहाँ भाग रहे हो? लड़की तो इस कमरे में है, आ जाओ। लड़की यही है, तू उनको बताएगा? हाँ? इसी कमरे में है, ये बताएगा? क्या आएगा? तुम्हारी बहन तो उधर भाग रही है। इतनी देर कैसे हो गई? चलो जल्दी। क्या चलना, सुबह से मैं कितनी टेंशन में हूँ। ठीक है चलो। सर्टिफिकेट्स कहाँ हैं? वो मेरे रूम में है। मैंने कहा था ना अपने पास ही रखना। क्यों? क्यों क्या, शादी होने के बाद तुम्हें नाबालिग कहकर घर वापस ले गए तो? चलो अपने कमरे में। तुम भी जल्दी आओ। हाँ हाँ। दीदी दरवाजा खोलो, दीदी दरवाजा खोलो, दीदी दरवाजा खोलो। ए, तू ऐसा बोलेगा तो सुनेगी क्या? दिमाग है कि नहीं? दीदी दरवाजा खोलो, दीदी दरवाजा खोलो। हट। अबे भाग कर रहा है, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, खोल। भाई फोन बज रहा है। अरे लगता है रवि फोन कर रहा है, तो बात करना। हाँ रवि बोल। अबे फोन उठा, तब बात करेगा ना। अबे 3 ही रुपए बैलेंस आए। तेरी तो उठा। हेलो। ए, ये बालकनी से भाग रही है, ऐसा सीन बनाओ। तेरी तो लग गई अब, चल दोबारा। चल वे, चल वे। अरे दुल्हन नीचे उतर के भाग रही है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो।
अरे इस रूम में बालकनी की तरफ है। नहीं है तो क्या करेगा? हाँ बता देगा क्या? भाई भाई इधर के इधर के जा पकड़ो पकड़ो चल बैठ। अरे रुको, अरे गधो रुको, अरे तुम किसके पीछे जा रहे हो? लड़की तो इधर ही है। अरे वापस आ जाओ, वापस आ जाओ गधो। ए असल में तेरी प्रॉब्लम क्या है? ये तो तुझे बहुत प्यार करती है, ये जिसके साथ खुश रहेगी उसी के साथ शादी करवा देना। करवा दूंगा। तो अब उनको बता देगा? ये क्या बे, मैंने तुझे बोला कि मैं तुझे नहीं मारूंगा, तो फिर अपनी बत्ती सी क्यों दिखा रहा है? इधर आ। अबे जल्दी आ, आजा। हे, तुम दोनों के परिवारों को मानने के लिए कम से कम एक हफ्ता तो लगेगा, तब तक तुम दोनों कहीं बाहर घूमकर क्यों नहीं आ जाते? ऑल द बेस्ट यार। थैंक यू यार। अरे यार देखने चिट्टी रो रहा है, क्या हुआ? पता नहीं क्या हो गया, ये लोग जा रहे हैं इसलिए तू उदास है। तो फिर पार्टी नहीं मिली इसलिए? नहीं यार। ए बात क्या है पता? अरे ये कोई लाइफ है यार, हर कोई लड़की सेट करके खुशी खुशी हनीमून मनाने जा रहा है, ये कंजूस भी नौकरानी की बेटी को सेट करके शादी कर लेगा, अब मेरा क्या होगा? अबे कौए, क्या मतलब, तू कबूतर है क्या? अबे लड़कियों को पटाना बहुत ईजी है, चल बताता हूँ। तू रोज अगर एक लड़की को आई लव यू बोलेगा, हाँ, तो पूरे महीने में तू 30 हाँ? लड़कियों को अप्रोच करेगा। अच्छा? 30 में से 15 को तुझे देखती एलर्जी हो जाएगी। अरे समझ लेना, और बाकी की 5 ऑलरेडी कहने के ही सेट होंगी, ठीक है? हाँ। और बाकी के 4 किसी पॉलिटिशियन, गुंडे या पुलिस वाले की बहन होंगी, समझ ले। तो हाँ। उनकी तरफ तो खुद ही नहीं जाएगा। हाँ। बाकी बची 4 वो किसी और का इंतजार कर रही होंगी, समझे? और बाकी बची लड़की अपनी चाहत का इजहार ही नहीं कर पाएंगी, और लास्ट में जो लड़की बचेगी वो तुझे आई लव यू बोल ही देगी। हाँ, मतलब इस हिसाब से साल में 12 लड़कियां पटी जाएंगी बच्चे। मतलब 5 साल में 60 लड़कियां? ए तू जो बोल रहा है वो सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली सही नहीं है। ओके सी यू बाय। अरे क्या रे, अभी घर पर पुलिस आकर गई, घर का माहौल बहुत सीरियस है, तू भी शाम तक घूम कर आ। शंभू अंकल नहीं है क्या? है। अरे अरे सुनना, मैं बात करता हूँ, तू रुक। तूने ये क्या काम किया? अरे तेरे पास दिमाग है कि नहीं? ऐसी बात नहीं है, तू अपना मुंह बंद कर। तेरा दोस्त किसी से प्यार करेगा तो तू उसकी शादी करा देगा? माना तेरा दोस्त अच्छा है, उसके साथ वो लड़की भी सुखी रहेगी, तो क्या उसकी ये शादी करा देगा? ए फ्रेंडशिप की खातिर तेरे बाप ने भी मंडप से तेरी चाची को उठाकर मेरी शादी करवाई थी, अब तू भी उसी रास्ते पर चल रहा, अक्ल नहीं तुझमें? तुझे लड़ने की क्या जरूरत थी? अरे अपने पापा से कहता, वो खुद ही उसे भगाकर उसकी शादी करवा देते। सही बोल रहा हूँ ना भाई? अगर तू इसी तरह करता रहेगा तो मैं कैसे अपनी बेटी का हाथ तुझे दूंगा? हाउ हाउ कैन आई? अरे मुझे पता है कि मेरे होटल के बिजनेस को संभालने वाला तू ही है, लेकिन इससे तो कुछ भी नहीं होगा ना भाई, देख तुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। बोलिया ना, चल अब निकल। ठीक नहीं बोला? हाँ ठीक है, तू जा। लगता है भाभी ने बिरयानी बनाई है, वो हम सब खा लेंगे, तू निकल अब यहाँ। भाभी नाराज हो गई तो? तुझे जाने को बोला ना। तू क्या सुन रहा है, चल निकल। अरे शीनू तुझे याद है जब मैं होटल का मैनेजर था तो अपने सामने स्वीट का होटल था, तब मैं हरदम तुझसे कहता था कि अगर मेरे पास 5 रुपए होता तो मैं हलवा खाता, अब मेरे पास पैसा है लेकिन मैं खा नहीं सकता, इसीलिए मैं कहता हूँ हर काम समय के हिसाब से कर लेना चाहिए। समझ गया मैं, चल। हाँ? चल जा। अरे मैं सही बोला ना? आना नहीं, अरे तू रुकना, मैं और समझाता हूँ। अरे जैसा तू समझ रहा है मेरा दामाद वैसा नहीं है, वो दारू सिगरेट भी नहीं पीता है। अरे सुन तो सही, छोटी चाय देना। तो क्या हुआ, मुझसे नाराज हो क्या?
माँ जरा समझने की कोशिश करो, इस प्रॉब्लम का हल बात करने से ही निकल सकता है। पहले हुआ क्या वो तो जान लो, उसके बाद सही या गलत का फैसला करना। अगर आप चाहो तो घर से बाहर निकाल देना। ठीक है, दुल्हन ने अपने हाथों से ये लेटर लिखा है, प्रॉब्लम का हल इसे पढ़ने से निकलेगा। बेचारी वो लड़की रो रो कर कह रही थी कि उसे वो लड़का पसंद नहीं, ये शादी उसे नहीं करनी। फिर भी किसी ने उसकी नहीं सुनी, उसने दूल्हे को कहा तो दूल्हे ने उसका गला पकड़ कर कहा, तू उससे प्यार करती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके साथ रात गुजारे तो भी प्रॉब्लम नहीं, उसका बच्चा तेरे पेट में तो भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन शादी तुझे मुझसे ही करनी पड़ेगी, समझ गई ना? आगे सुनो माँ, उस बेचारी को कुछ सूझा नहीं तो उसने कहा, भैया मुझे बचा लो, और मैं उसे बचाने चला गया माँ। ये तो रवि की ही राइटिंग है। क्या मतलब है? दो हमशक्ल हो सकते हैं तो हैंडराइटिंग नहीं हो सकती? अच्छा, इसका मतलब हैंडराइटिंग भी एक जैसे होती है? हाँ? नहीं, तुझे तो भाभी मत मारो, हमसे झूठ बोलता है। नहीं भाभी, अब भी बताती हूँ। अरे अरे अरे, क्या हुआ? क्या हुआ? लगा तो नहीं? कहाँ लगा? दिखा। क्या हुआ? क्या हुआ तुझे? अरे कुछ नहीं, बस जो कर रहा था। छे, पगला कहीं का। नमस्ते भाई साहब। क्या हुआ बहन, कहाँ जा रही हो? मार्केट जा रही हूँ। और ये छोटू? ये तो बस साथ में ही। साथ में? ये छोटू कोई अक्षय कुमार है जो तुम्हारी रक्षा करेगा? अरे देखो, तुम अपनी रक्षा खुद कर सकती हो ना। अच्छा जाओ, बात ठीक है भैया। वेंकट राव के बेटे हो ना? हाँ चाचा जी। तुम्हें तो कॉलेज में होना चाहिए, यहाँ पुलिस स्टेशन के बाहर क्या कर रहे हो? गणेश को पुलिस अरेस्ट कर लिए ना, इसलिए। कौन गणेश भाई? वो बिल्ली आंखों वाला? हाँ चाचा जी। ए, जिस माँ ने जन्म दिया उसके लिए कभी बोला है जिंदाबाद? जिस बाप ने तुझे पाला उसके लिए कभी बोला है जिंदाबाद? कौन है वो गुंडा? उसने किया क्या जो उसके लिए नारे लगा रहे हो जिंदाबाद? निकलो यहाँ से। अबे कौन है जो इतना बोल के चला गया? तू जानता क्या इनके बारे में? ये हमारे रामू के पिताजी हैं। जब से हमारे रामू ने सुसाइड किया तब से ये ऐसा बर्ताव करने लगे हैं। जब भी रामू का कोई दोस्त गलत काम करते दिखता है वो ऐसे क्लास लेते हैं। पता नहीं कौन अब फंसेगा। अपना थोबड़ा नहीं देखा, मुझे लाइन मार रहा है। कभी न कभी इसे मजा चखाऊंगी। शाम को पिक्चर देखने नहीं आए तो मैं यहीं पे जान दे दूंगा। छी, थोड़ा सा प्यार कर लेगी तो तेरा क्या चला जाएगा? तू अगर पागल जैसी हरकत करेगा तो तेरे को अंडरवियर में खड़ा करके मारेगी। मैं अंडरवियर पहनता ही नहीं हूँ। ठीक है, अंडरवियर भी नहीं पहनता। चिट्ठी सुबह से ही घर से बाहर निकल जाता है, पता नहीं क्या करता है। सही बोल रहा है। अरे शर्ट तो अच्छी पहनी है। सलीम कहाँ पर है? अरे सलीम तो यहीं पर है। अरे जाने देना यार। अबे क्या जाने दो, एक तो तू कंजूस था ही, दूसरा और आ गया। पता नहीं सेल क्यों खरीदा है, कंजूस फोन उठाता ही नहीं है। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे सुब्बा राव, पैसे ले गया, लड़कियां नहीं भेजी। अबे है कहाँ तू? लड़कियां? अबे आइटम कहाँ है बे? रॉन्ग नंबर। अरे 2 रुपए कट गए। क्यों बे काली, आज सुबह सुबह ड्यूटी पे लग गया? तो क्या घर पे बैठ के टाइम वेस्ट करूं? इतने सालों से लाइन मार रहा हूँ पर एक भी लड़की पटी नहीं। अरे उसको देख, लगता है उससे सेट हो गई है। मुझ जैसे हैंडसम को छोड़कर उससे पट गई। मैं उससे 2400 घंटे लाइन मारता हूँ मगर मुझे छोड़कर चली गई। उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? अब उससे वो पटी गई है तो मैं टेंशन क्यों ले रहा हूँ भाई? हाँ चल, जाने को छोड़ दे। उस लड़की का नाम जानता है क्या? Yeah, his name is Sujata. उसके बाप के बारे में जानता है? Yeah, she is a businessman. 5 करोड़ की प्रॉपर्टी। अगर वो लड़की पट गई तो? I do love. उसके बाद? After some days, both loving feel bored. हिंदी में बात कर। शादी करूंगा। फिर उसके बाद? छोड़ो ना चाचा जी, बोलने में मुझे बहुत शर्म आ रही है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि उस लड़की को खिलाएगा क्या? खाना। और वो खाना खिलाएगा कैसे? Doing job यार, उस काम करके। काम करके? हाँ। तू? या अल्ताफ भाई? Yes. इसको अपने होटल में कप प्लेट धोने का काम दोगे क्या? इसको? Yes. No chance. देख ली ना अपनी पोजीशन, अब तू उस लड़की को खिला पाएगा? वो तुझसे क्यों प्यार करेगी? तुझसे प्यार करके उसे आफत थोड़ी मोल लेनी है। अगर तू 10 दिन भी नहीं दिखाना तो तुझे पूछने वाला कुत्ता भी नहीं है। हाथ में देखो सेलफोन है और इंग्लिश भी ढंग से नहीं बोलता। ए, अगली बार किसी लड़की को आंख उठाकर देखा ना तो आंख फोड़ दोगे। क्यों बे, तुम्हारा पागल मालिक किधर है? क्या है बे? अरे कुछ नहीं अंकल, 4x6 चाय देना।
पैसे है ना? पैसा होता तो यही होटल था क्या? 5-star होटल चला जाता। जब भी देखो पैसे पैसे करते हो, क्या करोगे इतने पैसे का? हाँ, ऊपर ले जाओगे क्या? बार बार पैसे मांगते हो, आपको शर्म नहीं आती? हमारे पास तो है नहीं, तुमको तो रखने चाहिए ना। मेरे पास है, तुम जाकर बैठ जाओ। ए, इनके मुंह पे चाय मार। चाय के साथ ब्रेड भी मारना। और क्या क्या चाहिए वो भी बता दे। ठीक है। फिर से बाइक रेस होने वाली है, तू जाएगा क्या? अरे माफ कर यार, पिछली बार 10,000 आएंगे सोचकर 5,000 का फटका लग गया। रवि की वजह से बाइक रिपेयरिंग के पैसे बच गए, नहीं तो बहुत लग जाती। ये पानी कितना गंदा है बे? पानी साफ है, ग्लास गंदा है, समझा? अरे चाचा जी भी ना, ढूंढ ढूंढ कर नमूनों को काम पे रख लेते हैं। अरे यार, ये मुंबई आईटीटी से बहुत लोग लाइन करते हैं, देख ना कितनी खूबसूरत है। रवि बहुत खूबसूरत है ना? अबे काली है वो ऐश्वर्या राय। अबे इससे तो सुंदर मेरी गीता है। गीता कौन है? इसकी लवर। ए तू बहुत ज्यादा बोल रहा है यार, तू जिस लड़की से प्यार करता है वो तेरे लिए रंभा होगी, लेकिन ऐश्वर्या से खूबसूरत बोलेगा तो मुझे पचेगा नहीं। सच में यार, तूने अभी तक गीता को देखा नहीं है ना? अरे बहुत सुंदर है वो। लोग सही कहते हैं, प्यार आदमी को अंधा बना देता है। रवि अभी गीता ने फोन किया था, अभी 5 मिनट बाद वो दोबारा फोन करेगी, मुझे तुम्हें बोलने के लिए कहा है। भाभी, गीता ने फोन किया था? नहीं तो रवि। अरे बच मेरी माँ, टेंशन मत दे। गीता माय डार्लिंग, और कितने दिन हम दोनों में दूरियां रहेंगी? 6 महीने में एक बार आना, मेरा क्लास लेना और चले जाना। तुमसे बात किए 5 साल बीत गए, पता नहीं ये इंजीनियरिंग कोर्स किसने निकाला है, उसका पता चल जाए बस। तुम्हारे आने के बाद दोस्तों को मैं बहुत बड़ी पार्टी दूंगा, अंकल मैं तुम सब मजे करेंगे। हेलो हेलो गीता, तुम्हारी आवाज कैसे बदल गई? अरे पागल, मैं तेरा भाई बोल रहा हूँ। अरे भैया तुम हो, हालचाल कैसा है, सब ठीक है ना? ए पापा कहाँ हैं? फोन उन्हें दे। पापा तो है नहीं, पता नहीं अभी अभी पुलिस ले गई। अरे ले भाई बाद में बताता हूँ, अभी फोन रखो, गीता का फोन आने वाला है। हेलो हेलो गीता। रवि कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, और तुम? मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ, एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, इंजीनियरिंग कम्प्लीट, अभी फ्रेंड्स के साथ टाइम पास कर रही हूँ। और तुम्हारा क्या हुआ, इस साल तो डिग्री कंप्लीट कर ली है ना? डिग्री? अरे वो तो किसी तरह कंप्लीट हो ही जाएगी। ऐसे कैसे हो जाएगी, बिना गोल के जिंदगी भी कोई जिंदगी होती है क्या? अरे प्लीज यार, तुम मुझे कॉल तो करती नहीं हो, महीने में बस एक बार बात होती है, और उसमें भी ये सब क्या बात लेके बैठ गई? इन सब चीजों के लिए मेरे पास टाइम कहाँ है? क्यों? पार्ट टाइम बिजनेस कर रहा हूँ ना, तुम्हें बताया नहीं, रोज सुबह 6 बजे उठता हूँ, 6 to 9 घर वालों की मदद करता हूँ, 9 to evening 6 पार्ट टाइम बिजनेस करता हूँ, इवनिंग 6 to 9 तुम्हारे फादर की हेल्प करता हूँ, 9 बजे घर पे आ जाता हूँ, फिर 12 बजे तक पढ़ाई करता हूँ, फिर टाइम बचता कहाँ है यार? रवि अगर ये बात सच है ना, तो मुझसे ज्यादा खुशी और किसी को भी नहीं होगी। इसका मतलब तुम मुझ पर भरोसा करती हो? बिल्कुल रवि, तुम्हारी इस तरह की कहानियाँ तो मैं सुनती ही रहती हूँ। पता था भरोसा नहीं करोगी, इसलिए मैं तुम्हारे बर्थडे पर 10,000 का बड़ा गिफ्ट लेने वाला हूँ। सच में? लेकिन इतने पैसे वेस्ट करने की क्या जरूरत है, उन्हीं पैसों को बिजनेस में लगाकर उसे और बढ़ा दो। ओफो, जब देखो तुम्हारी वही बातें, टॉपिक चेंज करो यार। ठीक है, अच्छा बताओ तुम सलीम के साथ तो नहीं घूम रहे हो ना? छी छी, उसके साथ? डर्टी फेलो, उसका साथ तो कब का छोड़ दिया। काका, तुम दोनों पति पत्नी हो? हाँ सर। सॉरी, तुम दोनों के लिए यहाँ पर रूम नहीं है, तुम लोग जाओ। चुप करो, बात करता हूँ। आप मेरी हेल्प करो, मैं आपकी हेल्प करूँगा। मुझे तेरे हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, समझा, निकल यहाँ से। अरे तू हेल्प ले ले, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। तू चुप कर। ठीक है। एए, अगर तू 1 मिनट भी यहाँ खड़ा दिखाना तो तेरे दोनों पैर तोड़ूंगा, निकल यहाँ से। सुनिए जी, इनसे इस तरह की बातें मत कीजिए। हम्म,
चलिए जी दूसरा हाँ, कोई होटल ढूंढ लेंगे। आ जा रवि। अंकल, दो दिन में गीता वापस आने वाली है। तू ऐसे क्या देख रहा है? अब तो सही टाइम भी आ गया है, इन दोनों की जल्दी से शादी करवा देते हैं। गीता के आने की खुशी में फुल पैक चलाकर डांस करेंगे और सारी दुनिया जाए भाड़ में। चेयर्स। गीता वापस आ रही है। ए दोस्त, अब तो तुझे एक मस्त पार्टी देनी पड़ेगी। पार्टी चाहिए तो एक काम करना पड़ेगा। क्या, खुद बोतल खरीदना होगा? अरे नहीं यार, कल से तुम लोगों को दाढ़ी वाड़ी बनाकर क्लीन रहना होगा। वो किस लिए? तुझे तो पता है ना, गीता को नीट एंड क्लीन लोग अच्छे लगते हैं, इसलिए यार। तो उसके लिए मुंडन करवा लूं? जैसे लग रहा कोई हीरोइन आ रही है, वो मेरी दुश्मन है। सुना अंकल ये क्या कह रहा है, गीता आ रही तो हम लोग साफ सुथरे रहे। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, अगर तुम लोगों को इसके प्यार की कहानी पता चली तो पागल हो जाओगे तुम लोग। दिन और रात का होश नहीं रहता था इसे। अंकल आपकी भी लव स्टोरी थी? लव स्टोरी की क्या बात कर रहा है, इसकी कहानी पूरी होने तक हमारी कहानी खत्म हो गई। इसमें तो तू बहुत नसीब वाला है, गीता को तू पसंद है, तुझे गीता पसंद है और इस अंकल को ये दामाद पसंद है। लड़कियों तुम लोग जरा इधर आओगी जी। ये लोग इतनी स्पीड से बाइक चलाते तो तुम्हें क्या लगता है कहीं इनमें से कोई गिर ना जाए, इस बात का डर लगता है। सुना तुम लोगों ने, लड़कियां इस तरह से इंप्रेस नहीं होती हैं। तुम बेकार में अपनी जान जोखिम में क्यों डालते हो? ए, तुम लोग कहीं मत जाना, लड़कियों मेरे साथ आओ। चल चल निकल, मस्त आ गया। ए, ए, रुको रुको, कहां भाग रहे हो? गर्ल्स यहां आओ, यहां बैठकर आधी जदी लड़कियों को ये लोग कमेंट करते हैं। तुम लोग इनके बारे में क्या सोचते हो? कोई एक आदमी कमेंट करता तो चलता सर, यहाँ चारों ओर लोफर हैं। कमेंट सुन के दिमाग खराब हो जाता है सर। किसी एक लड़के ने किसे सिलेक्ट करे कुछ समझ में नहीं आता, इससे तो हमारा कंफ्यूजन बढ़ता ही जाता है सर। अच्छा सुन लिया ना, तुम्हारा तरीका ही गलत है, किसी को कुछ क्लियर नहीं होता। ए, अगर नेक्स्ट टाइम यहाँ मटर गश्ती करते हुए दिखे ना, सबको काट डालूंगा। अरे रवि यार, ये नई गाड़ी है, जरा संभाल के, अगर गाड़ी को कुछ हो गया ना तो मेरा बाप मुझे घर के अंदर नहीं घुसने देगा। अगर कुछ हुआ तो मैं रिपेयर करके दूंगा। अरे तू रिपेयर तो कर देगा यार, लेकिन बाइक का पार्ट तो खरीदना पड़ेगा। अरे चल चलता हूँ, नाराज मत हो। रवि हाय। योर अटेंशन प्लीज, थोड़ी देर में यहाँ पर बाइक की कंपटीशन शुरू होने वाली है। ये रेस 3 राउंड की होगी, सभी पार्टिसिपेंट्स का टाइम अलग अलग रिकॉर्ड किया जाएगा। सो फ्रेंड्स गेट रेडी फॉर द रेस। क्या है बे? गीता को उसने बोला कि वो बिजनेसमैन है, उसे गीता के बर्थडे के लिए गिफ्ट भी खरीदना है, इसलिए इस बाइक रेस को जीतकर वो पैसे इकट्ठा करना चाहता है। मैंने अपनी बाइक दे दी। पागल हो गया क्या? पिछले साल से दिनेश बैट पे है, दिखता नहीं क्या? चाहिए।
थैंक यू डॉक्टर। ये क्या हो गया रवि? इतनी कोशिश करने के बाद भी पैसों का जुगाड़ नहीं हुआ। कल गीता आने वाली है, सोचा रेस जीत जाऊंगा तो उसे बर्थडे गिफ्ट खरीद कर दे दूंगा। अगर इस हालत में घर जाऊंगा तो सब परेशान हो जाएंगे। मैं लेट नाइट घर जाऊंगा, तुम लोग माँ को कुछ मत बताना। हाँ एक क्या कर रहा है? अरे माँ, भिक्षा दे माँ, भिक्षा दो माँ, भूख लगी है, कुछ खाने को दो माँ। गुड नाइट। चल कल सुबह मिलते हैं। माँ कब से चिल्ला रही थी, आओ। खाना खाओगे? ये क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ, तू जाकर सो जा। क्या हुआ भैया, कहीं झगड़ा हुआ ना? अरे बाबा कुछ नहीं हुआ है, कहाँ ना जाकर सो जा, बस बाइक से गिर गया था। गाड़ी सलीम चला रहा था क्या? अरे नहीं, मैं खुद ही गिर गया था। कल गीता का बर्थडे है ना, आप उसके बर्थडे के लिए कुछ पैसे मांग रहे थे ना, मैंने ये घड़ी खरीदी है, ये घड़ी आप अपनी तरफ से उसे दे देना, और ये कुछ पैसे भी हैं। सॉरी छोटी, पिछली बार गिफ्ट के लिए तेरा कंगन गिरवी रखा जो अब तक नहीं छुड़वा पाया। कोई बात नहीं भैया, जब तुम काम करने लगोगे तो मुझे सब खरीद के दे देना। बैठ जा। सच बता, मैं गीता को पसंद तो हूँ ना? ये कैसी बात कर रहे हो भाई, भले आपने पढ़ाई कम की है, काम नहीं करते हो, एवरेज दिखते हो, लेकिन तुम्हारे जैसा अच्छा दिल इस दुनिया में किसी के पास नहीं होगा। गीता से तुम शादी करने वाले हो, ये उसकी खुशनसीबी है। इनको भी यहीं बैठना था।
क्या बात है साहब, आज सुबह सुबह उठ गए, कहीं झंडा वंदन का कार्यक्रम है क्या? थी लेकिन तुम ही आ गए। और अंकल आंटी सब ठीक है ना? ये सारे मेरे इंजीनियरिंग क्लासमेट्स हैं। मैं इन सबको तुमसे मिलाने के लिए यहाँ लेकर आई हूँ। So, you are Ravi, right? Right. तुम जैसे मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना, ये भी मेरे बहुत क्लोज हैं। रवि, I need your help यार, please. रवि, इसकी बातों में मत आना हाँ? Shut up. मेरे डैड ने 50 करोड़ रुपए लगा करके ऑटो इंजन की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शुरू की है रवि, इसे मैं कह रहा हूँ कि आकर मुझे ज्वाइन कर ले। तुम भी इसे कहो ना रवि। मैंने तुमसे कहा ना, मैं ज्वाइन नहीं करना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, रवि भी हमारे साथ ही रहेगा, इसे हम मैकेनिक का जॉब दे देंगे, अब तो ठीक है ना? आई सेड शट अप। हैप्पी बर्थडे गीता। रवि, ये किस लिए? थैंक यू रवि। तेरा बर्थडे है, दिस इज टू मच यार, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ओ, वो चाहने वालों को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। हैप्पी बर्थडे गीता। डायमंड रिंग, ग्रेट यार। केक भी लाया हूँ। जस्ट अ मिनट। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। थैंक्स। थैंक यू। What happened? Huh? Oh! ये क्या है? तुमने फिर से कोई झगड़ा किया? छे, तुम कभी नहीं सुधरोगे। पापा, पापा! क्या हुआ बेटा? क्या हुआ रवि? ये देखिए, इसने फिर से कोई झगड़ा किया है। अरे जब तेरी ये हालत हुई है, सामने वाले की क्या हुई होगी? गीता, केक रेडी। कम या कम क्या? आओ रवि। गीता, ये पकड़ो। यस या हैप्पी बर्थडे टू यू। ए, आफ्टर ऑल इट्स माय केक यार। देख ले यार, तेरे कहने पे सभी ने अपना लुक चेंज कर लिया, अब तो तू खुश है ना? गीता को पसंद आएगा? ये अपना कंजर है ना, 2 साल से अपने बाल नहीं कटवा रहा था, तेरे लिए कटवाए। गीता के आते ही तू बहुत बिजी हो गया, अब तो पार्टी बनती है भाई। अब सुबह सुबह कैसी पार्टी यार? पार्टी के लिए सुबह शाम क्या, बस मूड होना चाहिए। अच्छा बता, तूने गीता से क्या कहा और गीता ने तुझसे क्या कहा? अरे बताना यार। अरे क्या बताऊं तुझे यार। अबे क्या यार रवि, जब गीता नहीं थी तो गीता ऐसी है, गीता वैसी है, अब जब गीता आ गई है तो उसके बारे में कुछ बता ही नहीं रहा। जब शादी की बात होती है ना तो यही हाल होता है। तुम लोगों को क्या बताऊं यार, मैं गया था, उसने मुझे रवि कहा और उठकर मेरे पास भी आई। बहुत दिनों से उसे देखा नहीं था ना, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। इतने में उसके दोस्त वहां पर आ गए और देखकर शॉक्ड कि वो कौन है जो इतना करीब है। उसने कहा कि ये मेरा सबसे खास है, तभी मैंने उसे गिफ्ट दिया और उसने थैंक यू कहकर मुझे अपने गले लगा लिया। लेकिन मुझे अंदर चोट लगी थी ना, तो मेरे मुंह से मां निकल गया। जैसे ही उसने मेरा जख्म देखा वो तो चालू ही हो गई और मुझसे वादा मांगा कि अगली बार किसी से झगड़ा नहीं करोगे। उसका दोस्त केक लेकर आ गया और उसने सोचा कि गीता सबसे पहले केक उसे खिलाएगी, लेकिन गीता ने सबसे पहले केक मुझे खिलाया। इतना बड़ा केक था यार, मैं तो खा ही नहीं पा रहा था। चल मैं चलता। क्या हुआ यार इतने? अरे क्या हो गया रवि? अरे क्या हो गया? बोलो ना। अच्छी काम की बैठो। अरे सुन तो।
रवि, तुम्हें चोट लगी है ना? किसने? छोटी ने बताया ना? नहीं, गीता ने। गीता ने? वो चोट अभी कैसा है? गीता अभी आई थी? तुझे ढूंढ रही थी। ढूंढ रही थी? मुझे ढूंढ रही थी? बहुत देर से ढूंढ रही थी। तू कहाँ था? होटल में फोन किया, तू वहाँ भी नहीं था। अरे भाभी, गीता कब आई थी? कब की आई है, घर में ही है, जाके मिल ले। घर में ही है? ये देखो, ये क्या है रवि, तुम वहाँ से ऐसे क्यों चले आए? मैंने गुस्सा किया इसलिए। सॉरी रवि, सच क्या है मुझे मालूम नहीं था। ये देखो, आज के बाद दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी, ठीक है ना? ठीक है। लेकिन तुम्हें तो बताना चाहिए था ना। कोई बात नहीं। क्या हुआ, तुम्हारा बदन गर्म क्यों है? बचपन से जिसे अपना समझ रहा था उसे खोने का डर लग रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बेकार में टेंशन ले रहा था। यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, बेकार में टेंशन लेते रहते हो। कहीं ये तुम्हारी सारी टेंशन तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तो लेकर नहीं ना? बताओ ना, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। तुम मेरे साथ हो ना, इतना ही काफी है। मैं तो हूँ ही, लेकिन 5 सालों से नहीं थी ना। अब क्या पता इस बीच में अगर कुछ हो गया हो तो। मैं मजाक कर रही हूँ, तुम्हें मैं, मेरे पापा, अपने फ्रेंड्स, इसके अलावा तुम्हें और किसी की जरूरत नहीं है। ये लो जल्दी से इसे पहन कर आओ, मंदिर चलते हैं। मंदिर चलते हैं? लेकिन किस लिए? स्टुपिड, आज मेरा बर्थडे है ना, भूल गए क्या? एग्जाम्स खत्म होने के बाद हम टूर गए थे और वहाँ पे सारे फ्रेंड्स शॉपिंग कर रहे थे। अब मैं किसके लिए शॉपिंग करती? इसीलिए रवि के लिए की। क्यों, मैं नहीं थी क्या? तू है फिर भी। ये थैंक यू। थोड़ा और लग रहा है यार। कुछ नहीं, परफेक्ट लग रहा है, अब चलो। चलो आती हूँ, बाय बाय। चलो भाभी, मैं गीता को पसंद हूँ ना? इतना प्यार करने वाला साथी मिला, गीता सचमुच खुश नसीब है। यस। हेलो गीता, कब आई? मॉर्निंग में, तुम कैसे अच्छा हो? रवि, ओके ओके, बाय बाय बाय। खुश रहो। और इतना मजा आता था ना, सीरियसली यार। कैसी हो बेटी? नमस्ते। नमस्ते। शादी कब है? क्या कहा? अब पढ़ाई पूरी हो गई ना? हाँ, पढ़ाई पूरी हो गई, पर सेटल होना बाकी है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ। विद्या प्राप्ति रस्तो दीर्घायुष्मान भवा। शीघ्र में कल्याण प्राप्ति रस्तो। ठीक है, चलते हैं। तुम रुक क्यों गए? मैं थोड़ी देर यही रुकूंगा, तुम जाओ। क्यों? ओके। रवि, 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 क्या हुआ? शंकर अंकल को हार्ट अटैक आया, उन्हें हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर,
नहीं सुन रहे यार। देखो रवि, फर्स्ट हार्ट अटैक पे मैंने तुमसे कहा था एंजियोग्राम करवाना पड़ेगा, ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत है, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात को सीरियस नहीं लिया। आप लोग शहर में जाइए, वही बेहतर होगा। रवि, हमें कुछ तो करना होगा, एटलीस्ट आप फर्स्ट एड तो कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, मैं अपने हॉस्पिटल का नाम खराब नहीं होने दूंगा। रवि, इसके बाद एक बार भी अंकल के लिए मरने की बात मत करना, वरना तुझे मार दूंगा। चल जा, जा जाके ट्रीटमेंट शुरू कर, सुना नहीं क्या? चल जा, चल जा। नर्स, गीता अंकल, डॉक्टर ने क्या कहा बेटी? पता नहीं अंकल, अभी ओटी में लेकर गए। सर अंकल कैसे हैं? डोंट वरी, ही इज सेफ, एक हफ्ते में आप ले जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। पापा, जी ठीक है। रवि, थैंक यू रवि, थैंक यू सो मच। अंकल अब तो ये सिगरेट पीना छोड़ दीजिए, उस दिन मैं आपको उस हालत में देखकर डर गया था। मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, तुम्हारी और गीता की शादी में मैं और सिंधु मिलकर फुल बोतल पीकर नशे में नाचेंगे। उसके अगले दिन से तू पीने को कहेगा पीऊंगा नहीं, और उससे पहले छोड़ नहीं। तो फिर ऑपरेशन करवा लीजिए। अरे पता नहीं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, इसीलिए तुम दोनों से शादी करने के लिए कह रहा हूँ। लेकिन इतनी जल्दी कैसे कर लूं? ये कैसी बात कर रहे हो? तुझे और कितना इंतजार करना है? अरे उसकी पढ़ाई तो हो गई, और तू पढ़ाई करने वाला है नहीं, और वैसे भी तुम्हें मेरा होटल संभालना है, इसीलिए मैं शादी के लिए बोल रहा हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? कहीं कहानी का एंड ना हो जाए। तो फिर मैं क्या करूँ अंकल? मैं जा रहा हूँ, तू बात कर ले। अभी नहीं तो कल बात करेगा। कल क्यों, प्रॉब्लम है क्या? नहीं, प्रॉब्लम क्या होगी? तो फिर देरी किस बात की? प्रोसीड। गीता को आई लव यू कैसे बोलना ये तो सिद्धू से ही पूछना पड़ेगा। किसी लड़की को आई लव यू कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन लड़के में डेरिंग हो तो ये बहुत इजी है। लॉजिक से देखें तो इसमें कोई रिस्क ही नहीं है। हम किसी को आई लव यू कहें तो 50% लड़कियां कहती हैं सॉरी मैंने तो कभी उस नजर से आपको देखा ही नहीं, फिर क्या करने के लिए हमारी बाइक के पीछे बैठ जाती हैं, कोई मुझे ये तो बताए। और एक टाइप की लड़कियां होती है 25%, जिन्हें आई लव यू कहो तो रिएक्ट नहीं करती, सुनती नहीं है, लेटर तो पढ़ती नहीं है, छुई मुई की तरह रहती है, वो किसी से बात ही नहीं करती। अगर वो दोबारा मिल गई तो ऐसी हंसती है कि हम लड़के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर 2-4 साल बाद सिनेमा हॉल में मिल गए तो वो अपने पति के साथ रहते हैं, गोद में एक बच्चा भी होता है जिसे हमें खिलाने को दे देती हैं। उनके पीछे पैसे वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। अगली टाइप है 10%, अगर इन्हें आई लव यू कह दिया तो डेली सोप की हीरोइन की तरह आंसू बहाएंगी, नाक बहाएंगी, छी मैं आपसे प्यार नहीं कर सकती, मतलब इनसे प्यार करने में कोई रिस्क नहीं है। और 10% लड़कियां अलग होती हैं, इनमें कोई रिस्क नहीं होता क्योंकि उनसे हमें कोई नुकसान नहीं होता। उन्हें आई लव यू कहने के बाद पहले तुम्हें देखेंगी, फिर तुम्हारा स्टेटस देखेंगी, फिर तुम्हारे ऊपर भड़केंगी और इंग्लिश बोल के चौराहे पर हमारा कचरा कर देंगी। एक लास्ट लेकिन वन कैटेगरी, जिसमें 4% लड़कियां आती हैं, जिन्हें आई लव यू कह दिया तो फूलन देवी की तरह भड़क कर कहती हैं, क्यों बेलुखे, तेरे घर में माँ बहन नहीं है? फिर कहानी बढ़ जाती है, कोई अपने माँ बाप को ले आती है, कोई अपने लुखे भाई को ले आती है और हम पर अटैक करवा देती हैं। ओह वैसे भी हमें मिलती नहीं है, नो प्रॉब्लम। एक लास्ट की 1% लड़की होती है, जिन्हें अगर गलती से आई लव यू कह दिया तो कान के नीचे बजा कर कहती है स्टूपिड, शक्ल देखिए अपनी। सो फाइनली मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि प्यार का इजहार करने में हमें कोई रिस्क नहीं है, लेकिन गीता उन 1% में नहीं है, इसलिए तुम आई लव यू कह सकते हो। तुझे 500 रुपए दिए हैं, बोलो या मत बोलो बताने के लिए नहीं, किस तरह से बोलना है ये बता। और कैसे बोलोगे, सबकी तरह मुंह खोल के बोलोगे? आ वही तो पोपट, मुंह खोल कर कैसे बोलना है? गीता मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू कह देना। आ कितना टाइम लगाएगा, तू बच्चा है क्या? तो फिर और कैसे भाभी? कैसे क्या, सीधे जाके उसे बोल दे, इसमें बुराई क्या है, सच तो है। इतने सीधे सीधे क्यों, प्यार नहीं करता है? तो आप ही मेरे लिए गीता से पूछ लीजिए ना। मैं पूछूं? अगर बार बार में टॉपिक निकला तो पूछूंगी, डायरेक्ट पूछूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, समझा कर रवि। इसमें डर किस बात का, हिम्मत नहीं है तुझ में, डरता है कि वो ना कह देगी? ऐसी कोई भी बात नहीं है भाभी, जब वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए गई थी उस बीच मुझ पर क्या बीती आपको नहीं पता, वो 6 महीने में एक बार आती थी तो मैं उससे प्यार की बात कैसे करता, अब तक तो मैं सिर्फ उसका दोस्त हूँ।
उसके सपने देखने के अलावा मैंने कोई काम नहीं किया, और आप कह रही कि मैं डायरेक्टली उसे बोल दूं। और अभी कुछ ही दिन पहले अंकल का ऑपरेशन हुआ है, इस बीच जाकर उससे ये बात करना आपको ठीक लगता है? तुझे मुझ पर विश्वास है ना? बहुत। और मुझे तेरे प्यार पर उससे भी ज्यादा विश्वास है। गीता तुझे बहुत पसंद करती है, मेरा भरोसा कर। तो ठीक है, मैं कल ही बात करूंगा। बाबू उठ जाओ, सुबह हो गई बाबू। देर हो जाएगी बाबू। आज आप गीता मैडम से इजहार करने वाले हैं ना? ऑल द बेस्ट। हाँ यार। और तू ऐसी जाएगा? हाँ। कुछ तो रोमांटिक बन यार, कोई बुके वुके लेके जाना। हे, बुके बहुत ओवर लगेगा। हाँ, यार तो ओवर लगना चाहिए ना। जब तू गीता को बुके देगा तो वो खुद ब खुद समझ जाएगी, और तू डायरेक्ट पॉइंट पे आ जाना। हाँ यार, ये एकदम सही बोल रहा है। ओके। अरे यार इतना टाइम यार, चल क्या हुआ यार, इतना लेट क्यों किया? आ जाए, लव यू बोलने जा रहा है पूरे गाँव को। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ए, मैं चलता हूँ। एक मिनट यार। ए, ये सब क्या है? अरे रुकना यार, हमारी गैंग में पहली बार कोई लड़की को आई लव यू बोलने जा रहा है यार। कांग्रेट्स रवि। थैंक्स। बेस्ट ऑफ लक दोस्त। ऑल द बेस्ट मेरे दोस्त। थैंक्स। ऑल द बेस्ट भाई। हट हट। ऑल द बेस्ट रवि। हाँ, थैंक यू। चलो भाई। ऑल द बेस्ट रवि। ऑल द बेस्ट। ओके यार। तैयारी में आए हो, आज बोल दोगे क्या? ऑल द बेस्ट। वैसे गीता तो तुम्हारे घर गई है। वो क्यों? पता नहीं। ठीक है अंकल, मैं चलता हूँ। हाँ। ए रवि। इंजीनियरिंग तो खत्म हो गई, अब आगे क्या करना चाहती हो? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली मैं अमेरिका जाके जॉब करने का सोच रही थी, लेकिन वो तो पॉसिबल नहीं है ना भाभी। तो शादी का क्या इरादा है? शादी? शादी की इतनी जल्दी क्यों? तुम्हें नहीं होगी, पर हमें तो है ना। तेरे पापा भी तुम लोगों की शादी करवा कर रिलैक्स होना चाहते हैं गीता। तुम लोगों की शादी मतलब? आप किसकी बात कर रही है? तेरी और रवि की बात कर रही हूँ। रवि? मेरी और उसकी शादी? ये ख्याल आपके दिल में आया भी कैसे? मैंने उसके प्रति कब ऐसा बिहेव किया? ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए गीता। सॉरी भाभी, मैंने कभी रवि को उस नजर से नहीं देखा। गीता, आई एम सॉरी। गीता, तुम भले अपने आप से झूठ बोलो, पर मेरे सामने नहीं। रवि को प्यार से देखना, प्यार से बातें करना, ये प्यार नहीं तो और क्या है बताओगी गीता? तुम मुझसे कह रही हो कि तुमने रवि को उस नजर से कभी नहीं देखा? तुम्हारी आंखों में मैंने कम से कम 100 बार देखा होगा। तूने नापसंद किया ठीक है, लेकिन तू क्यों नापसंद करी ये तो बता। रवि एक बहुत अच्छा इंसान है भाभी, और मुझे पसंद भी है, और मैंने काफी बार इसके बारे में सोचा भी। मैं भी तो एक मामूली लड़की हूँ, मेरा भी दिल चाहता है कि मेरा पति अच्छी नौकरी करे, अच्छी पोजिशन पे हो, और उसका एक अलग ही रुबाब हो। लेकिन रवि ये सब नहीं कर पाएगा भाभी। मैंने जब से उसे जाना है, मैं चाहती थी कि वो अपनी सारी गलत आदतें छोड़ दे,
लेकिन इतने सालों में वो जरा सा भी नहीं बदला और आगे वो बदलेगा ऐसी उम्मीद भी नहीं है भाभी। अगर वो लाइफ में कुछ बना तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी। माना कि वो सबको घर में बहुत पसंद है, लेकिन कल को जब उसकी शादी मुझसे हो जाएगी और फिर भी कुछ ना बदले तो आप कहेंगे मैं डोमिनेट कर रही हूँ। अभी उसकी सारी छोटी मोटी गलतियाँ मस्ती समझकर आप लोग माफ कर देते हैं, लेकिन कल को जब उसकी शादी होगी तो आप लोगों को ये रवि निकम्मा लगेगा। पापा का होटल संभालकर ये रवि सेटल हो जाएगा, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरा पति मेरे या मेरे पापा के पैसों पर निर्भर रहे और सब लोग उसके पीठ पीछे उसकी बुराइयां करते रहें। इस बात को लेकर हम दोनों के बीच में झगड़े होते रहेंगे, इसीलिए हम फ्रेंड्स बनकर ही हमेशा खुश रहेंगे और उसको तो वैसे भी मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, तो फिर प्यार का नाम लेकर मैं उसे क्यों डिस्टर्ब करूं और खुद को डिस्टर्ब करके अपनी दोस्ती क्यों खराब करूं? आपको मेरे बिहेवियर से कभी ऐसा लगा? नहीं नहीं, हमें ऐसा लगता था इसलिए हम लोग। मुझे पता था वो हमेशा पापा और फ्रेंड्स के साथ ही रहता है, मेरा तो ख्याल भी नहीं रहता। कनेक्ट मी टू कंट्रोल रूम प्लीज, बाबजी से बात करवाइए। बोलिए इंस्पेक्टर श्रीनिवास बात करना चाहते हैं। सर ये कैफे 20 साल से चल रहा है सर। मतलब काम 20 साल से चल रहा है? हाँ सर, हमारे लोगों की इंफॉर्मेशन करेक्ट है सर, ये सब 20 साल से चल रहा है सर। ये सब क्या है, क्या चल रहा है, कौन है आप? स्वाद के लिए तू अपनी चाय में कोई दूसरा पाउडर मिलाता है, सही बोल रहा हूँ ना? क्या बात कर रहे हैं सर, जो चाय पत्ती मिलाता हूँ उसे तो दुकान चलती नहीं है, दूसरा कहाँ से मिलाऊंगा मैं? सर ये खुद कबूल करता है कि इसका काम ठीक से चलता नहीं है सर। ऐसा मैंने कब कहा सर? क्या सर? नहीं सर, पीछे से कोई आवाज नहीं आ रही है। अच्छा उसको डाल दिया, वेरी गुड सर। इसको अगर इसने ज्यादा नाटक किया तो इसको भी लेके आऊंगा सर। नहीं नहीं सर, यहाँ मारूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा सर। यहाँ क्या चल रहा है, मुझे सब पता रहना चाहिए। चुप हो जाएगा दे, पता है वो कौन है? मिलाए तो क्या हुआ, तलाशी लेंगे क्या? हमने कब मिलाया बे? हाँ सर, अपन चाय में दूध कम डालते हैं ना। कोई अपन को 3 रुपया देगा तो चाय अच्छी पीना चाहेगा, नहीं मिलेगी तो चिल्लाएगा ही ना। और ये सब हम लोग क्यों करते हैं सर, आप जैसे लोगों के लिए ही। तुम कबूल करते हो तुम लोगों ने गुनाह किया है। कस्टमर चीटिंग एक्ट लगाओ, सेक्शन 420, 421, 422, 423, ये केस फाइल करो। ये क्या सर, आप मेरे गुरु को अंदर करना चाहते हो? अगर मुझे पहले पता होता तो मैं आपको अंदर कभी नहीं आने देता। अंदर आप नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। सर 520, 521, 522, 523 भी लिख दो सर। राइट। अब हट जा। ये क्या, तूने सब कुछ इनको बता दिया? क्या बात करते हैं सर, अभी तो मैंने ये वाटर टैंक के बारे में कुछ बताया नहीं, अगर आपको फंसाना होता तो बता दिया होता ना। कसम खाओ। ठीक है गुरु, वाटर टैंक के बारे में बात कर रहे हो? सर वो वाटर प्रॉब्लम होने की वजह से समंदर का पानी। 620, 621, 622, 623 भी लिख लेते हैं सर। सर सर ये गलत है, एक गलती पे इतनी धारा। अरे बाबू तेरी वजह से मालिक फंस जाएंगे ना, इन पर चाय लेबर एक्ट भी लग सकता है, तेरी वजह से जेल में चले जाएंगे। इसको साइड में लेके जाओ, रेड बाद में करेंगे। भाभी उसने इस बारे में हमें कुछ बताया नहीं और अचानक कहाँ चला गया? गांव से कुछ मेहमान आए थे, उनके साथ चला गया है, जल्दी लौटेगा। अच्छा भाभी हम चलते हैं। ठीक है भाभी, चलते हैं। तो इस तरह से कितने दिनों तक अपने घर में बंद रहेगा? तुम्हें इतना चुपचाप देख के मुझे बहुत डर लग रहा है भाई। सबसे पहले तू एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ ले और देखना तू इतनी तरक्की करेगा तू किसी की जिम्मेदारी आराम से उठा पाएगा। भाभी हाय, ये क्या,
अभी तक मूड खराब है तुम्हारा? जल्दी उठो, मेरा रिजल्ट आया है, फर्स्ट क्लास। ओह रियली? कांग्रेट्स। थैंक यू, आई एम सो हैप्पी। भाभी गीता पास हो गई है, कांग्रेट्स बोलो। अभी हमारी गीता इंजीनियर गीता है। माँ गीता पास हो गई है, स्वीट लेके आओ। आई एम सो हैप्पी, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैंने तो पढ़ाई नहीं की, तुम तो इंजीनियरिंग पास हो गई। माँ आपको गीता को इतना लाड प्यार देने की जरूरत नहीं है। तू चुप कर, मेरे लिए तुम दोनों एक जैसी हो, बिन माँ की बेटी है, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? अरे अभी तक माँ नहीं आई, भाभी आप जाकर लेके आइए ना। आंटी मैं पास हो गई। सुन के बहुत खुशी हुई बेटी। तुम भी लो अनीता। मैंने कहा था ना मैं अमेरिका जाने का सोच रही हूँ, अभी से ही कोशिश करूंगी तो एक साल बाद तो मौका मिलेगा, इसीलिए मैं कोचिंग क्लासेस अटेंड करने शहर जा रही हूँ। मुझे पता था एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि तुम बहुत आगे जाओगी। ऑल द बेस्ट। मैं पहुंचते ही कॉल करती हूँ, वैसे बताने की जरूरत नहीं लेकिन मेरे पापा का जरूर ध्यान रखना। चलती हूँ भाभी, बाय आंटी। तू ऐसे कितने दिनों तक घर में अकेला पड़ा रहेगा बेटा? जाके अपने दोस्तों से मिलकर आ। तू बड़ा आदमी नहीं बना कोई बात नहीं बेटा, पर प्यार में पागल तो मत बन। कमीनी कहीं की, मुझे पहले से ही पता था एक दिन तुझे ऐसे ही फंसाएगी। ऐसी लड़कियों को ना प्यार में धोखा देने वाले ही अच्छे लगते हैं, तेरे जैसे लोग नहीं। अब ये सब बात करके क्या फायदा, देखना वो तुझसे शादी करेगी। अबे क्या तू पका रहा है यार, अरे उसको जाने दे, उससे अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी तुझे इस शहर में। दोस्त ये मत समझना कि मैं तुझसे ज्यादा बोल रहा हूँ, अगर मेरी बहन होती तो मैं उसकी शादी तुझसे ही करवाता यार, क्योंकि तू बहुत अच्छा है यार। क्या बे, पूरी दुनिया खत्म हो गई है क्या? कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। अरे यार उसने इनकार कर दिया तो इतना बुरा मत मान। ओके बाय। कहीं सुसाइड करने तो नहीं जा रहा है? चल चल। ए रवि, रवि रो, रवि ए क्या कर रहा है? अरे रवि सुनो भाई, रवि सुन, अरे क्या करने जा रहा है? अरे रवि सुनो, ए रुक जाओ, सुनो रुक जाओ, रवि रुक जाओ, रवि रुक जाओ, ए रुक रवि रुक जाओ, रवि रवि रुक जा रहा है। ओके या बाय, बाय गीता। सर उस दिन आपने कहा था ना? क्या कहा था? पुलिस वालों से अगर रिलेशन होता तो हमारे होटल को इतना नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं होती। मतलब आज से आप उनकी पुलिस से फुल सेटिंग हो गई सर। क्या बात करते हैं? हाँ गुरु, इन लोगों ने आपको पुलिस इन्फॉर्मर अपॉइंट किया सर। हाँ? वैसे गुरु कुछ काम नहीं करना है, उस दिन MLA साहब को नक्सली लोग ने मारा था ना, कहना है कि वो सब चीज अपनी आँखों से आपने देखी है। उसके बाद एक छोटा सा साइन कर देना है, उसके बाद आपकी एक छोटी सी फोटो लेंगे। हाँ? और पुलिस स्टेशन में जाकर चिपका देंगे। हफ्ते में एक बार पुलिस स्टेशन जाकर आपको साइन करना होगा। हाँ? अगर आपको कहीं बाहर जाना होगा तो पुलिस की परमिशन जरूरी है। आगे कुछ आप भी तो बताइए। उसके बाद स्टेशन में आपका कलर फोटो लगेगा। क्या बात कर रहे हैं सर, इतने दूर से ये लोग आए हैं, साथ में चले जाओ गुरु। अरे पागल तू क्या कह रहा है, तेरे को समझ में आ रहा क्या? सर मैंने कहा था ना मेरे गुरु के भेजे में जल्दी बात घुसती नहीं है। चार दिन अंदर रखो सर, इनकी पूरी खातिरदारी करो, देखो अपने आप मान जाएंगे। चलो चलो सर, आप दो मिनट रुकिए सर। चलो ना सर, रुको ना। चलो ना सर। सर आप कोने में आइए। क्यों रिश्वत देगा? अरे नहीं, मेहमान नवाजी, फीस, प्रसाद, गिफ्ट, जो समझना समझ लो। आप आओ। मैं भी चलता हूं। अबे तू इधर रुक, आप आइए सर। ये क्या है चाचा जी, आपकी कॉफी एकदम दिनों दिन घटिया होती जा रही है। एक चाय मिलेगी क्या? 2 रुपीज। क्या बात है सर, अपने फ्रेंड से भी पैसा लेंगे? 25 साल के दोस्त को एक बार भी आपने कहा नहीं और अपनी दुकान खोल ली, क्या दोस्ती है आपकी? ए, दोस्ती के बारे में मुझे लेक्चर मत दे, तुझे दोस्ती के बारे में पता है क्या?
पता होता तो जिस दिन तेरी लड़की ने रवि को मना कर दिया उसी दिन तू मुझे बता देता। एक कान के नीचे लगाता, गीता चुपचाप रवि से शादी कर लेती। गीता ने रवि को मना कर दिया? ये क्या कह रहा है तू? ए, पूरे गांव को पता चल गया है, अब तुम उससे नाटक मत कर, चला जाए ऐसे। ए, क्या हुआ साफ साफ बता। ये बात तुझे किसने बताई? उसके दोस्तों ने। इतना सब कुछ हो गया तुम लोगों ने मुझे बताया नहीं, उसका तो मैं समझता हूँ, लेकिन तुम लोग क्या कर रहे थे? बता देते हो तो क्या कर लेते? क्या करता? फोन दे। हेलो, हाँ मैं बात कर रहा हूँ, तुम्हारा डैड। एक बहुत जरूरी काम है, तू जल्दी से घर आ जा, वो आने के बाद बताऊंगा, तू जल्दी वहां से निकल, तुम्हारा यह कल आना जरूरी है। ओके, मैं रखता हूँ। ऐसी बात नहीं अंकल, गीता की मर्जी के खिलाफ शादी करूंगा तो खुश नहीं रह पाएगी ना। इतना सब कुछ हो गया फिर भी तू उसकी खुशी के बारे में सोच रहा है? तू उससे ज्यादा प्यार कौन करेगा उसे? ए, तेरी आंटी जब तक दुनिया में थी तब मैंने सोचा कि बहुत मेहनत करूंगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, उसके जाते पता चला कि कुछ भी नहीं है, कोई इंसान कभी भी जा सकता है बेटा। चलो ठीक है, तेरी बात मानकर मैंने उसकी शादी किसी और से करा दी, तो तू जी पाएगा क्या? वो सब छोड़, एक दिन भी ऐसा है जिस दिन तूने गीता के बारे में ना सोचा हो। ए, मैंने गीता को इसलिए पढ़ाया था कि तुम्हारा संसार अच्छा चले, लेकिन वो ऐसा करेगी मुझे नहीं पता था। ए, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, गीता ने इससे शादी की तो ठीक है, अगर उसने मना किया तो सारी प्रॉपर्टी इसको दे दूंगा। अंकल मुझे तो पता ही नहीं था कि आप इतने ग्रेट हैं। मैं ग्रेट हूँ तो ये गोल्ड है, गोल्ड। चलो ड्रिंक करते हैं। आज हम लोग नहीं पियेंगे अंकल, जिस दिन इसकी शादी होगी ना उस दिन पीकर बहुत धमाल करेंगे और खूब नाचेंगे हम लोग। अरे जरा इसका चेहरा तो देखो कितना खुश है। चलो बताओ मेरे लिए कौन कौन अपनी जान दे सकता है? बोला ना, कौन कौन अपनी जान दे। अबे चुपचाप बैठ जा। जान देगा कौन देगा? ए, तेरे लिए यहाँ पर कोई जान नहीं देने वाला है, तेरी जान ले लेंगे। सही बोला। अच्छा अंकल मैं चलता हूँ। अरे रुकना, हमारा भी खत्म होने वाला, हम भी चलते हैं। अंकल इसे जाने दो, हल्दी चंदन लेकर अपने फेस पे लगाएगा, कल गीता जो शहर से आने वाली है ना। चल चल तू निकल। ओके बाय बाय। अरे रवि सुनो, तू गोल्ड है, तू ही मेरी बेटी से शादी करने वाला है, प्रोसीड। क्या हुआ भाई, इतनी रात को तुम लोग चले आए? रवि, शंकर अंकल चल बसे यार, उनके सीने में दर्द उठा और उसके बाद वो। क्या कह रहा है तू? ये तू क्या कह रहा है? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? Thank you.
सुल्तान नहीं है, उसके आने से पहले इसको भगा देना चाहिए। गुड मॉर्निंग सर। अबे रुक, अंदर कांस्टेबल आया है। सच में? ए, पागल हो गया क्या? उसके जाने तक तू कहीं बाहर घूम के आ जा। वो कब जाएंगे मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? मैं छुपके उनको देखते रहूंगा। मेरा तो दिन ही खराब है, चला। तू चुपचाप जाके पीछे बैठ, अगर कुछ बोला तो मार डालूंगा। जा, जा, जा। छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा बच्चा ले लो। सर ए, तो ऐसे क्यों बैठा भाई? सर सी 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 अबे जोर से बोल ले। चोरी का सिलेंडर है सर, ब्लैक में खरीदा है। आपसे यही पूछ रहा हूँ, इसको कहाँ छुपाऊँ बताओ। 500 रुपया लगेगा। तू चल 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 हट, इधर खा, इधर। ये क्या कह रहा है? हमारे यहाँ पानी नहीं आता है ना, तो हमने जमीन के अंदर से इलीगल इलीगल वो 1000 रुपए। 1000। अबे रुक, क्या छुपा के लेके आ रहा है? दिखा फिर जा। देखो अब तू इसे क्यों छुपा रहा था? हमने इसे इसलिए रखा कि छिपकली अंदर ना आए, लेकिन ये लोग नहीं मानेंगे। ये पुलिस वाले तो यही बोलेंगे हम सब इसको मार के खा गए, नया केस बन जाएगा ना। रुक जाओ, चलो ले लो। सब मेरा है ना? हाँ ले लो। क्या है वे? वो क्या है? अच्छा निकल। हाँ तो इसको भी दे देगा? दे 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 दे, दे लो। ये ले सारा, ले सारा। चलता हूँ सर। हाँ ठीक है, चल जा भाई। अबे मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, ये तू सब जानबूझ के कर रहा है या तू सच में ही बेवकूफ है? गुरु आप मुझे गलत समझ रहे हैं। गुरु यही तो मैं कह रहा हूँ, मैं तुझे नहीं समझ पा रहा हूँ। असल में तू करना क्या चाहता है? तेरे को काम करना है तो होटल के अंदर ही काम करेगा, होटल के बाहर नहीं जा सकता। तेरे को दाल भेजूंगा साफ कर लेना, चावल भेजूंगा चुन लेना, रात को 9 बजे तेरे को छोड़ूंगा, उस अंधेरे में सारी दुनिया देख लेना। ओके ओके गुरु, जा चल जा। कब तक तू गीता को कंपनी देता रहेगा रवि? गीता को हेल्प कर, उसका दुख बांट, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन तू दिन ब दिन उसके और करीब जा रहा है, इससे हमें तकलीफ हो रही है। शंकर चाचा भी नहीं रहे, अब तो होप भी चली गई। तू गीता के बारे में सोचकर खुद को क्यों इतनी तकलीफ दे रहा है रवि? भूल जा उसे, उसके बारे में सोचता रहेगा, उसके साथ घूमता रहेगा तो पता है तेरा क्या होगा। तुम नहीं आए तो इसीलिए मैं आ गई। क्या हुआ, कुछ सीरियस बात है? बताइए ना। नहीं तो सत्यम अंकल कह रहे हैं कि आज से मुझे ही होटल संभालना पड़ेगा। पापा नहीं रहे इसलिए वहां जाने का मन नहीं कर रहा, और वैसे भी रवि मुझे होटल का कोई नॉलेज भी नहीं है ना। तो क्या कुछ दिनों के लिए तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। तुम लोग बातें करो, मैं अभी आती हूँ। वो तो तुझसे हेल्प मांगेगी ही, पर तू कौन सा मुंह लेके उसकी हेल्प करेगा? हाँ ए तू चुप कर बे, जा उसके पीछे पीछे घूम और जाकर उसका कुली बन। ए ये तुम लोग कैसी बात कर रहे हो? रोज सुबह उनके पीछे अंकल अंकल करके घूमते थे, दारू के लिए उन्हीं से पैसे लेते थे, और अब उनकी डेथ हो गई है तो गीता को हम लोग अपना दुश्मन समझे? किस तरह के दोस्त हो तुम लोग? गीता सिर्फ मेरा प्यार ही नहीं है, वो अंकल की बेटी भी है। तू जो कह रहा है वो सब कुछ सही है, सारी चीजें गीता को बताकर तेरी शादी भी करवा देंगे, पर वो क्या खुश रहेगी? गीता जैसा चाहती है वैसा तू बन क्यों नहीं जाता? अगर तू उसके रंग में रंग जाता है तो वो तुझे ना कैसे कहेगी? तू तो जब देखो तब उसके पीछे पीछे भागता है। मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि तू उसके पीछे मत जा, आज अगर सत्यम जिंदा होता तो ये कहने की नौबत ही नहीं आती, ये प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाती। सत्यम के जाने के बाद अब सब कुछ तुम्हें ही करना होगा, हम क्या कर सकते हैं? हमारे कहने का कोई मतलब नहीं। चाचा जी कैसे हैं? उसकी भी हालत खराब है, सुबह से उसे ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं। किसकी? मूर्ति की।
हफ्ते भर से उसकी तबीयत खराब है। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। कल से ठीक लग रहा है? कैसे हैं आप? ठीक ही हूँ। मैंने सिगरेट दारू सब छोड़ दिया अंकल। मैंने पूछा तूने इसे कैच क्यों किया? नहीं तो गिर जाता। गिर जाता तो? गिर जाता तो जमीन में फट जाता ना। पर गिरा तो नहीं ना। अरे गिर जाता तो फट जाता ना अंकल। गिर जाता इसकी गारंटी है ना? ये आप कैसी बात कर रहे हैं चाचा जी, मैं नहीं पकड़ता तो गिरता ही ना। हाँ यही बात तो तुम्हारे माँ बाप भी समझाना चाहते हैं। तुम लोग ऐसे ही रहोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और तुम लोग क्या कहते हो, क्या गारंटी हम ऊपर नहीं आ पाएंगे? वैसे सुनने में तो दोनों सही लगते हो। जैसे इस सेब को तुम नहीं पकड़ते तो ये गिर जाता, वैसे ही लाइफ को भी संभालना पड़ता है। मेरी बात क्यों सुनोगे, मैं तो तुम्हारा रिश्तेदार भी नहीं हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए तुम यहाँ आए, वो भी फ्रूट्स लेकर। अगर घर में तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं होती तो कभी उनसे पूछा है पिताजी आपकी तबीयत ठीक है कि नहीं? कम से कम अपने माँ बाप का तो ख्याल रखना चाहिए ना। ए वो लोग तुमको सचिन तेंदुलकर या अब्दुल कलाम बनने को नहीं कह रहे हैं, लेकिन अपनी लाइफ में कुछ तो करो। कम से कम अपने लिए नहीं तो अपने माँ बाप के लिए तो कुछ करके दिखाओ। मैं कह रहा हूँ सर, दे दूंगा सर, प्लीज सर। क्या है बे, प्लीज? पैसा लेने के समय समझ में नहीं आता कि बैंक में पैसा वापस देना पड़ता है। चल सर, मैं सीमेंट फैक्ट्री में मैनेजर हूँ सर, दिन रात बहुत मेहनत करता हूँ सर। मैं 2 महीने के अंदर आपकी पाई चुका दूंगा सर, मेरे भरोसा कीजिए। पैसे दे देगा बे? तेरे पास कितनी बार आएंगे? नौकर समझा क्या? सर धक्का मत मारी। ए तेरी बात नहीं सुनेंगे। समझने की कोशिश कीजिए। अबे स्कूटर लेके चलो। सर 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 कितनी बार बोलूं मैं तुझे? सर समझने की कोशिश कीजिए। मार डालूंगा मेरे भाई को कुछ किया तो। तू चुप कर, मैंने इनसे पैसा लिया नहीं दिया तो मारेंगे क्या? ए क्या बे मारेगा क्या? तू मारेगा सर? सर तू मारेगा सर? तू हट जा। क्या बे तू मारेगा? हां मारेगा मारेगा। हां मार मार मार। सर 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 मान जाओ सर, मैं पैसे दे दूंगा सर, सर मैं पैसे दे दूंगा सर। सर सर प्लीज सर, प्लीज सर छोड़ दीजिए सर। सर 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 मान जाइए सर, मेरी बात मानिए सर। सर सर मैं आपको पैसे दे दूंगा सर। रवि मान जाओ, रवि मेरे भाई को मारेगा। तेरे हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को मारने की? रवि मेरी बात मान। रवि आगे से कभी दिखना मत। मार डालूंगा, मार डालूंगा तुम सब लोगों को। रवि हेलो क्या है, तुझे सुनाई नहीं देता मैंने उनसे कर्जा लिया है? कर्जा किस लिए लिया था? कर्जा ना लूं तो क्या करूं? पापा रिटायर हो चुके हैं, रिटायरमेंट के पैसे बहन की शादी के लिए जमा है। तू तो कुछ काम करता नहीं है, सारा दिन मैं ही एड़िया रगड़ता रहता हूं। कर्जा नहीं होगा तो क्या होगा? ये सब क्या है जी? अगर कुछ बात है तो घर में बैठ कर बात कीजिए ना, अंदर चलिए। कौन है ये गीता? बचपन तो तेरे साथ ही बताया ना, आज की पढ़ी लिखी लड़की है वो। वो भी कहती है कि तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ मारपीट कर सकता है। एक बात जानता, जब से उसने तेरा हाथ छोड़ा है इस घर में कोई ढंग से खाना भी नहीं खा पा रहा है, लेकिन तुझे क्या फर्क पड़ता है? बाहर में जाए सब। छी छी रवि, क्या तुझे एक बात बताऊं? मैं और तुम्हारे भाई जब कॉलेज में पढ़ते थे तब कई लड़के मुझे पसंद करते थे, प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, लेटर्स भी लिख के भेजते थे। उन सारे लड़कों को छोड़कर तुम्हारे भाई को मैंने क्यों पसंद किया पता है? क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी समझते थे, लाइफ में गोल को सामने रखकर उसे पाने के लिए मेहनत करते थे। मैं ही क्या रवि, सारी लड़कियां यही सोचती है। तुम समझते हो स्टाइल में रहने में, बाइक पर घूमने में लड़कियां तुम्हें पसंद कर लेगी, इसलिए घर बार छोड़कर पढ़ाई छोड़कर लड़कियों के पीछे घूमते रहते हो। पर लड़कियां जो जिम्मेदारियां समझते हैं, पढ़ाई करते हैं, उन लोगों से प्यार करती है। अगर तुमने अपने करियर पे कॉन्सेंट्रेट किया होता तो गीता क्या, कोई भी लड़की तुम्हें पसंद करती। लाइफ में हर इंसान को अपना लक्ष्य तय करना चाहिए, कोई भी परिस्थिति में कैसे आगे बढ़े ये सोचना चाहिए। अगर ये सोचते हुए प्रयास करेंगे तो आपको आपका लक्ष्य जरूर मिलेगा। आजकल तो पढ़ाई और काम का कोई संबंध नहीं है, तो तुमने पढ़ाई नहीं की उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तुझमें भी कोई टैलेंट होगा उसके बारे में सोच, उसे बाहर निकाल, तो जरूर कामयाब होगा।
अबे धक्का मार मार के तो दिमाग खराब हो गया। अबे चालू करना। चुप कर, पापा जाग जाएंगे। रवि क्या हुआ यार, इतनी रात को तू आया? अजय यार ए, मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरा दोस्त बचपन से किसी लड़की को प्यार करता है, ये वही है। सॉरी बॉस। वन मिनट अजय। अरे तेरे डैडी से बात करके कंपनी में कोई जॉब है तो दिलाना। तुझे क्या बताऊं यार, मेरी घर में कितनी इज्जत है, पापा घर में हैं, तो मैं कार को धक्के मार के घर में ला रहा हूं। हाँ एक काम कर सकता हूं, अभी अभी मेरी गाड़ी का लोन पूरा हुआ है, अब मैं 30,000 रुपए लोन और ले सकता हूं, वो तुम उससे लेकर घर पे दे दे, 6 महीने का खर्चा निकल जाएगा, तब तक हम कोई दूसरा काम ढूंढ लेंगे। नहीं नहीं यार, मैं दूसरी जगह ट्राई कर लूंगा। एक काम और है यार, अल्ताफ भाई नाम का मेरा एक आदमी दुबई में है, अगर तू चाहे तो मैं तेरे लिए बात करूं, अगर कोई फाइनेंस की जरूरत होगी तो मैं करवा दूंगा, तेरी मदद के लिए मेरा भाई कभी ना नहीं बोलेगा। ठीक है यार, मैं सोचूंगा। बाय बाय। ए रवि, आज तुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, तू ऐसे ही काम करेगा तो बहुत आगे जाएगा। ठीक है यार। मैं उसे उसके दोस्तों के यहाँ देख के आता हूँ। ठीक है। कहाँ चला गया था इतनी रात को? खाते समय गर्म हो गए थे ना, इतनी रात को कहाँ चला गया, इसी टेंशन में थे। इसे खाना खाकर सुला दो, बहुत रात हो गई है। चलो। अरे रुकिए रुकिए रुकिए। सुल्तान भाई अंदर है। सुल्तान भाई? सुल्तान ने कई लोगों से कर्जा लेके मुंह छुपा के तो नहीं बैठे? आप एक मिनट सुनिए। सुल्तान भाई कहाँ हैं आप? इधर आओ जी। सुल्तान भाई जी, सुल्तान भाई। नमस्ते सर, नमस्ते सर, नमस्ते सर। गुरु भाई ये पशुपति जी है, म्युनिसिपल अफसर। ये दामोदर जी है, इनसे मिलो, रोड वेल्डिंग डिपार्टमेंट। नमस्ते सर। ये लक्ष्मण दादा, वर्किंग इंस्पेक्टर। नमस्ते। नमस्ते सर। सर आज कोई किसी को 1 इंच की भी जगह नहीं देता, आप 30 फुट की जगह दे रहे हो, आप महान है सर। रोड डिपार्टमेंट की तरफ से आपका स्वागत है सर, हमने जो स्कीम रखी है उसमें आपने अपनी 30 फुट की जगह दे दी है, इसलिए हम गवर्नमेंट की तरफ से आपका अभिनंदन करते हैं सर। अब मैं समझा ये सब क्या चल रहा है, 30 फुट देने के बाद मेरे पास क्या बचेगा? 8 फीट बच जाएगा सर। अच्छा। एक पान पट्टी तो खुली जाएगी। वो मुझे क्यों दे रहे हो भाई, वो भी रख लो, ले जाओ। सर एक मिनट, जाने से पहले मेरी तरफ से नाश्ता जरूर करके जाना। ठीक है सर। हाँ? सुल्तान भैया। हाँ गुरु जी। इधर कोपचे में देखा ना तूने, अब तो दुकान भी नहीं बची, अब तेरे यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है, आई मीन अब तेरी यहाँ से छुट्टी, तू जा सकता। ठीक है गुरु। ये क्या है बे, तू पहले से ही पेटी पैक करके रेडी था? अबे तू जाते जाते एक हेल्प तो कर दे मेरी। बोलो ना गुरुजी। वो जो कॉर्नर में मदीना होटल है ना, उसमें 2 महीने काम कर ले तू। वो क्यों गुरुजी? वो इसलिए कि मुझे उससे बदला लेना है। बदला? तू 2 महीना उसके होटल में काम करेगा। अगर आप कहेंगे तो भी मुझे कोई नौकरी नहीं देगा सर। क्यों? वो होटल मेरे बाप का ही है। अभी जो हाथ में है वो खा लो, घर पर दूसरा लेकर चले जाना। ए, मैं दादा बनने वाला हूँ। क्या टेंशन है, कब तक तू फैमिली प्लानिंग के चक्कर में रहेगा? सब अपना अपना नसीब लेकर आते हैं, तू चिंता मत कर। हाँ बेटा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुंह मीठा करो भैया। आज तो हम पूरी कॉलोनी में पार्टी देने वाले हैं भैया। हाँ बेटा। अभी इसकी क्या जरूरत है माँ, फोकट में 500 रुपए खर्च हो जाएंगे। जा मांगना मांगना भी ना, मांगना। भाभी मैं अभी आपसे 500 रुपए मांगने जा रहा हूँ, आप मत देना। अरे 2 दिन पहले ही मैंने पैसे लिए थे और फ्रेंड्स को पार्टी दी थी, अब फिर से पार्टी कैसे हो सकती है? बिल्कुल मत देना। पैसे मिल रहे हैं। भाभी
कल शाम से देख रही हूँ, रवि भैया किसी से बात नहीं कर रहे हैं, अकेले कोने में गुमसुम बैठे हुए हैं। आप जाके उनसे कुछ बात कीजिए ना। बात नहीं कर रहा है, कोई जरूरत नहीं रहने दे। परेशान होने से हमें कुछ हासिल नहीं होगा, इसका गुस्सा ही इसे रास्ता दिखाएगा। होने दो परेशान, कोई बात नहीं। देंगे हम तो मेहनत कर करके, एक दिन कष्ट सहेंगे हम, अब तो दुनिया जान ले। ना मेहनत करने से डरे, हिम्मत से आगे ही बढ़े, ये जीवन की सच्चाई तो हमने जान ली। ये देश हमें पहचानेगा, बच्चा बच्चा हमें जानेगा, हाँ मेहनत करके ही हम सबसे आगे जाएंगे। भाग्य पलट देंगे हम तो मेहनत कर करके, एक दिन कष्ट सहेंगे हम, अब तो दुनिया जान ले। अब तो वो भी जान ले, लक्ष्य है कि मैं सहारा दूं जरा, घर भी हो मेरा सदा खुशियों भरा। मेरे भी तो देखो यारो, दिन है बहुत ही काम के, अब तो भाग्य पलट देंगे हम तो मेहनत कर करके, एक दिन कष्ट सहेंगे हम, अब तो दुनिया जान ले। जीवन तो आसान नहीं, साथी भी है वो भी तो है पास नहीं, वक्त तो नहीं रुका है ये कभी, तुम हो साथ गम तो सह लूंगा सभी। मैं कुछ ऐसा कर डालूंगा, दुनिया करेगी नाम याद में। भाग्य पलट देंगे हम तो मेहनत कर करके, एक दिन कष्ट सहेंगे हम, अब तो दुनिया जान ले। ना मेहनत करने से डरे, हिम्मत से आगे ही बढ़े, ये जीवन की सच्चाई तो हमने जान ली। ये देश हमें पहचानेगा, बच्चा बच्चा हमें जानेगा, हाँ मेहनत करके ही हम सबसे आगे जाएंगे। भाग्य पलट देंगे हम तो मेहनत कर करके, एक दिन कष्ट सहेंगे हम, अब तो दुनिया जान ले। एवरीथिंग इज नॉर्मल अनीता, अगले 5-6 महीने में डिलीवरी हो जाएगी, 90% नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस है। जो मेडिसिन है उसे चालू रखो। ठीक है डॉक्टर। रवि, तेरा वीजा आ गया है, तुझे कल ही निकलना होगा। वैसे तेरा जाना हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमें जल्दी से जल्दी गिरी भाई से मिलकर पैसे लेने होंगे। भाभी मुझसे बात मत कर, तू किसे दिखाना चाहता है, तू किससे दूर रहना चाहता है, तू यहाँ अकेले रहने से तो डरता है, तू वहाँ अकेले रह पाएगा? तुम लोग इसे कह नहीं सकते, समझा नहीं सकते इसे? कितना समझा इसे, सुनता ही नहीं है ये। भाभी बात तो सुनिए। अभी मुझसे कुछ मत बोल, अगर तू दुबई जाएगा तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। चलो हम लोग गिरी भाई के पास चलते हैं। तुम दुबई जाकर कितना कमा लोगे,
महीने के 30,000 रुपए, वो जो भी है तुम यहाँ रहकर भी कमा सकते हो। तुम गाड़ियों को इतनी अच्छी तरह से रिपेयर करते हो मैं जानता हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम्हें फाइनेंस करके एक सर्विस सेंटर खुलवा देता हूँ और तुम वहीं काम करो। जो भी मुनाफा होगा वो हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे, क्या बोलते हो? मैं वहां पैसे कमाने नहीं जा रहा हूँ सर, सिर्फ कुछ लोगों से दूर रहने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो मेरे प्यार के बारे में नहीं जानता, पर जब से गीता ने ना कहा है तब से हर कोई मुझे छोटी नजर से देखता है और वो चीज मुझे बहुत चुभती है सर। सोचता था बदल जाऊंगा तो गीता मुझसे प्यार करेगी, पर मैं कोई बदलाव उसमें नहीं देख रहा हूँ और शायद कभी ना भी देख पाऊँ। हो सकता है वो किसी और को पसंद करे और मेरे सामने उसकी शादी भी हो जाए। ये सारी चीज मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकता, इसलिए मैं जाना चाहता हूँ। आई एम सॉरी, मैं इसके बारे में नहीं जानता था। ऑल द बेस्ट। ये देखो आ गया। माँ कम से कम आप ही समझा दीजिए, किसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भाभी ऐसा ही कहेगी भैया, तुम चले जाओ, चले जाओ। तुम यहाँ से दूर चले जाओगे तो बहुत ज्यादा खुश रहोगे। कम से कम गीता को तुम्हें खोने का एहसास होगा, उसे भी रोना चाहिए। चले जाओ भैया, चले जाओ। बेटा मैं जाकर गीता से बात करूंगी। प्यार करने के लिए किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती माँ, पर शादी करने के लिए होती है। अभी अभी तो अपनी जिम्मेदारी को समझने लगा हूँ। मुझे एक बार अपने पैरों पर खड़े होने दीजिए, फिर उसके बाद जो नसीब में होगा वही होगा। आप चिंता मत कीजिए माँ। पिताजी मुझे दुबई में एक मैकेनिक की जॉब मिली है। मैं अब तक आपके कभी कोई काम नहीं आया, वहां जाने के बाद कुछ ना कुछ ढंग का काम करके आपके काम आ सकूंगा, इसलिए मैं वहां जा रहा हूं। आप जैसा सोच रहे हैं उसे मैं आधे में छोड़कर नहीं आऊंगा और ना ही आपकी इज्जत उछालूंगा। अगर ना कर सका तो किसी होटल में बर्तन साफ करके वहीं रहूंगा, पर यहां नहीं आऊंगा। मुझे माफ कर दे बेटा, मेरी ही गलती, मैंने तेरी अच्छी परवरिश नहीं की, इसीलिए तुझे देश छोड़कर काम की तलाश में हम सबको छोड़कर दूर विदेश जाना पड़ रहा है। हम एक ही घर में रहते थे, पर कोई बात पूरे गांव में पता चलने के बाद ही मुझे पता चलती थी। मुझे अब अपनी गलती पता चली। स्कूल फीस भरना, सबका पालन पोषण करना, मुझे लगता था पिता होने का यही एक फर्ज है। अब पता चला 10th क्लास तक जो लड़का फर्स्ट क्लास पास होता था, इंटर में अचानक वो फेल कैसे हो गया। मुझे लगता था हर चीज मैं तुझसे शेयर करूंगा तो कहीं घर में मेरी अहमियत न कम हो जाए। मैं भी तुम्हारी माँ की तरह हर मौके पर तुम्हारे साथ रहना चाहता था, पर पता नहीं क्यों पागल, आगे बढ़ने में तुझे कभी बढ़ावा तो नहीं दिया, इसलिए कोई हक भी नहीं कि तुझे रोक सकूं। तू जा, पर जितनी जल्दी हो सके वापस आना। तू मेरे आंखों से ज्यादा दिन दूर रहेगा ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ ठीक है चलेंगे, चल। टेंशन मत लीजिए आंटी, चिन्ना और किरण वाइजैक तक जाकर उसे सी ऑफ करने वाले हैं। पन्नू शास्त्री बॉम्बे तक जा रहे हैं, जैसे ही रवि दुबई पहुंचेगा अल्ताफ भाई के बेटे उसे रिसीव कर लेंगे। जब तक वो सेटल नहीं हो जाता उन्होंने उसके साथ रहने का वादा किया है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए आंटी। रवि कहाँ है? अंदर कमरे में है। मैं एक बार गीता से मिलना चाहता हूँ। कोशिश तो मर गई पर प्यार नहीं मर पाया यार। गुड मॉर्निंग सर।
हेलो सर, गीता कहाँ है? कॉरिडोर में है सर। टेक केयर, बाय। वेयर वर यू यस्टरडे? मुझे दुबई में जॉब मिल गई है गीता, मैं आज ही जा रहा हूँ। कितने दिनों तक यहाँ घूमता रहूंगा, इसलिए बाहर रहूंगा तो थोड़ा सा जॉब में कॉन्सेंट्रेट कर पाऊंगा। ये तुम क्या कह रहे हो रवि? पापा भी नहीं रहे और तुम भी मेरा साथ छोड़कर चले जाओगे तो मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी रवि। I'm sorry रवि, I'm really sorry। मुझे लगा प्यार के लिए पैसा, स्टेटस, पढ़ाई ये सब जरूरी है, लेकिन सच्चा प्यार साथ में हो तो ये सारी चीजें उसके सामने छोटी पड़ जाती हैं। मुझसे बिल्कुल दूर मत जाओ ना रवि। I'm sorry, please forgive me। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो ना रवि। I love you रवि, I love you so much। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगी रवि, प्लीज डोंट लीव मी एंड गो अवे। अरे भाई देख के चलना यार। गुड मॉर्निंग सर। गीता कहाँ? अंदर चेंबर में है। अरे तू नहीं आएगी तो शादी कैसे होगी? तुम कब कर रहे हो शादी? हाय रवि, हाउ आर यू? रवि 23rd को कमल शादी कर रहा है, इनविटेशन कार्ड भी दिया है, तुम मेरे साथ चल रहे हो ना? कंग्रेट्स। थैंक यू। ठीक है मैं बाद में आता हूँ। हे कम ऑन रवि, स्टे विद अस, थोड़ी देर में हम भी चलेंगे। सॉरी यार, रियली आई हैव एन इंपॉर्टेंट वर्क, डोंट थिंक अदरवाइज, कैच यू लेटर, ओके बाय। वंस अगेन माय हार्टी कांग्रेचुलेशन। इंग्लिश बहुत अच्छी इंप्रूव कर ली है, व्हाट्स द मैटर? हां बाय, बाद में मिलता हूँ। रवि क्या हुआ, कुछ काम से यहाँ पर आए थे? चेहरा उतरा क्यों है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। मतलब? मैं जा रहा हूं भाभी, कम से कम अभी तो मुझसे बात कीजिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है आपको कैसे समझाऊं, जब से गीता ने मुझे नो कहा है तब से सारे गांव वाले समझते हैं कि मैं निकम्मा हूं, किसी काम का नहीं हूं, यही सोचकर गीता ने मुझे नापसंद किया हो, ऐसे सारे गांव वाले समझ रहे हैं भाभी। ये सब सोचकर मुझे कितना दर्द हो रहा है, मैं आपको नहीं समझा सकता। एक हफ्ते भर में आपको भी एक लड़का होगा, कम से कम उसे ही सही आप बता दीजिए कि तेरा चाचा निकम्मा नहीं है, बता दीजिए। वो भी छोटा मोटा काम करके अपना पेट चला सकता है। सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ ठीक है भाई, मैं अभी आता हूँ पिता। ठीक है, ठीक है, चल। ओके यार, चल बाय। हाँ बाय, अपने ख्याल रखना। सी, मिलते हैं बाद में। ये रख ले काम आएगा। नहीं यार, तेरा ब्रेसलेट कहाँ है? अरे यार मैं अपने पापा से झूठ बोल दूंगा, कल से रोज दुकान में बैठूंगा। हाँ यार, हम भी कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे, तू जब तक लौट के आएगा हम सेटल हो चुके होंगे। एक बार गीता को फोन तो कर लिया यार, लेना यार। हेलो, या वन सेकेंड।
गीता कॉल फॉर यू। ये क्या है यार? सॉरी यार, लगता चार्जिंग उतर गई। रवि फोन। क्या रवि का फोन? हेलो, ओके बाद में मिलती हूँ। ऑडिटर को ये पेपर्स दे देना। हेलो। हेलो, मैं गीता बोल रही हूँ। रवि है क्या? रवि तो चला गया। कहाँ गया? दुबई। दुबई किस लिए? जॉब करने के लिए, तुम्हें पता नहीं? वो दुबई कैसे जा सकता है? उसे कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था भाभी। ऐसे कैसे किया उसने? सडनली ऐसा क्या हो गया भाभी जो वो निकल गया? तुम्हें कैसे बताऊँ, समझ में नहीं आ रहा है गीता। गीता, गीता, रवि हमें बिना पता ही चला गया। अब तुम किस बात का इंतजार कर रही हो बेटा? जाओ, जाकर उसे रोको। तुम्हारे 10th पास होने की खुशी में उसने अपना सर मुड़वा लिया था बेटी। ऐसा पागल प्रेमी तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगा। जाओ बेटी, उसे रोक लो। फ्लाइट कितने बजे की है? 5:15 की। किस लिए आई हो? हाँ, उसे जाता हो देखकर और ज्यादा खुशी मनाना चाहती हो? कितना मना किया था, लेकिन वो तो तुम्हारे लिए पागल हो गया था। हाँ, पूरा गांव जिस लड़के से प्यार करता था उससे बहुत नफरत थी ना तुम्हें? तुम्हें लगा होगा तुम्हें उससे कोई अच्छा मिल जाएगा। हाँ, हम सबको उसकी आंखों में प्यार दिखता था पर तुम्हें कभी नहीं दिखा। रवि की आंखों के सच्चे प्यार को नहीं पहचान पाई। छी, तुम्हें देखकर तो मुझे प्यार से नफरत हो गई है। ए, रवि की फ्लाइट लेट है यार। गीता, यू आर लकी, फ्लाइट 2 घंटे लेट है।
क्या है रवि, कम से कम एक बार मुझे बताना तो चाहिए था ना रवि। पापा तो चले गए, अब तुम भी छोड़कर चले जाओगे तो मैं अकेली कैसे रह पाऊंगी। I'm sorry, रवि, I'm really sorry। मुझे लगा प्यार के लिए एजुकेशन, पैसा, स्टेटस इनकी जरूरत होती है, लेकिन सच्चे प्यार को इन सब की जरूरत नहीं होती है, ये मुझे आज पता चला है रवि। जब तुम मुझसे दूर जाने लगे तब मुझे इस बात का एहसास हो गया रवि। I love you रवि, I love you।